नमस्कार दोस्तों, री एजुकेशन अकेडमी में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। और हम लोग चर्चा कर रहे हैं इस वक्त एनसीईआरटी पर आधारित भारतीय अर्थव्यवस्था को। तो इसके पूर्व में पालकपुर गांव की एक कहानी को हम लोगों ने देखा है, उस पर आधारित अभ्यास के प्रश्नों को जो है हम लोगों ने देखा है। और आज के इस लेक्चर में हम उसी से अगला जो लेसन है वो है कि संसाधन के रूप में लोग, इस पर जो चर्चा करेंगे। यद्यपि यह जो चैप्टर है वो पूर्व के लेसन से भी संबंधित है, क्योंकि हम उत्पादन के संगठन के अंतर्गत जो है तीन महत्वपूर्ण कारकों पर, यानी कि भूमि, श्रम और पूंजी पर चर्चा किए थे। और जो उद्यम था उसे आज यहाँ पर संसाधन के रूप में लोग इस टॉपिक के अंतर्गत जो पढ़ने का प्रयास करेंगे। अभी तक हम लोगों ने लोगों के बारे में सुना था, व्यक्तियों के बारे में सुना था, लेकिन आज का यहाँ पे जो टॉपिक है वो संसाधन के रूप में लोग, यानी कि ऐसे लोग जो संसाधन के रूप में होते हैं। कौन से ऐसे लोग हो सकते हैं? जब हम पिछली लेक्चर में जो ये देख रहे थे क्लास में कि उत्पादन के संगठन जो भी हैं, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम, इन सभी को प्रयोग में लाया जाता है, तो यहाँ पे ये सवाल उत्पन्न होता है कि इनका बेहतर ढंग से प्रबंधन कैसे हो सकता है, किस तरीके से उपयोग में लाया जाए जिससे हम उत्पादन की मात्रा के साथ साथ उसकी गुणवत्ता को भी बढ़ा सकते हैं। तो वहाँ पर जब हम लोग चर्चा कर रहे थे तो उसी रूप में जो है इस लेसन को निर्धारित किया गया है, जिसमें ये बताने का प्रयास किया जाएगा कि समाज में जो भी हमारे देश में लोग हैं, उन लोगों में से ऐसे लोग जो उत्पादन की प्रक्रिया में जो है भाग लेते हैं और उससे जो है वो उत्पादन की गुणवत्ता और उत्पादन की मात्रा को बढ़ा सकने की क्षमता और कौशल रखते हैं, ऐसे ही लोगों को जो है संसाधन के रूप में लोग, यानी कि संसाधन का तात्पर्य होता है ऐसे कारक से होता है जिसे प्रयोग करने के बाद कुछ उत्पादन होता है और कुछ जो है हमें आउटपुट प्राप्त होता है। तो यहाँ पर लोगों कि जो चर्चा संसाधन के रूप में की जा रही है, अर्थात देश में जनसंख्या का वह भाग जो उत्पादन की प्रक्रिया में हिस्सा लेता है और इससे विभिन्न प्रकार के वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा और उसकी गुणवत्ता में बढ़ाने में जो है क्षमता रखता है, बढ़ाने की क्षमता रखता है, कौशल रखता है, उन्हीं कौशल और क्षमता से युक्त व्यक्तियों को ही संसाधन के रूप में लोग के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। इसमें ये है कि संसाधन के रूप में लोगों को कैसे बनाया जाएगा, कैसे हम किसी व्यक्ति को संसाधन के रूप में बदल सकते हैं। तो यहाँ पर यह महत्वपूर्ण है कि चिकित्सा, शिक्षा और प्रशिक्षण, स्वास्थ्य, इन पर जो हम लोग खर्च करते हैं, इससे किसी व्यक्ति की क्षमता में वृद्धि होती है, उनके कौशल में वृद्धि होती है, उनके कार्य कर सकने की संभावना बढ़ती है। तो यानी कहने का मतलब यह कि शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य पर जब व्यय किया जाता है, जिस भी जो है धन को हम व्यय करते हैं वो जो है मानव पूंजी कहलाता है। यानी कि शिक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वास्थ्य पर जो हम खर्च करते हैं, ये जो है जो भी धन खर्च करते हैं ये मानव पूंजी होता है, ये मानव पूंजी। शिक्षा और स्वास्थ्य पर जो हम खर्च करते हैं, जो धन खर्च करते हैं वो मानव पूंजी कहलाता है। इसलिए क्योंकि मानव पर खर्च किया जा रहा है, और पूंजी वो इसलिए होता है क्योंकि इनकी क्षमता और कौशल में वृद्धि होती है, जिससे ये दूसरे वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। पूंजी और धन में यही होता है अंतर, धन और पूंजी में यही अंतर होता है कि जब कोई संपत्ति जो है स्थिर होती है, वो उत्पादन की प्रक्रिया में नहीं लगी होती तो धन होती है, और ये पूंजी तब हो जाती है जब इस धन का हम प्रयोग जो है किसी उत्पादन की प्रक्रिया में लगा देते हैं, जिससे किसी अन्य वस्तु या सेवा जो है का उत्पादन होता है, तब ये पूंजी होता है। और चूंकि मानव यदि घर पर बैठा रहे, कुछ ना करे, उसका कोई रोल भूमिका ना हो, तो वो मानव होगा, और जब वो मानव उत्पादन की प्रक्रिया में जो है किसी अन्य वस्तु या सेवा का उत्पादन करता है तो वो मानव पूंजी हो जाता है। अर्थात शिक्षा और स्वास्थ्य पर जो धन खर्च किया जा रहा है वो मानव पूंजी होता है। और इससे जब व्यक्ति की जो है कौशल में वृद्धि हो जाती है, जब व्यक्ति के कौशल में वृद्धि हो जाती है, तब वो जो है मानव पूंजी निर्माण होता है, मानव जो है
पूंजी निर्माण बहुत ही साइंटिफिक तरीके से, शिक्षा और स्वास्थ्य पर जो धन खर्च हो रहा है वो मानव पूंजी होता है, इससे कौशल का विकास होता है और मानव पूंजी का निर्माण होता है। जिस देश में मानव पूंजी का निर्माण जितना ही अधिक होता है वह क्षेत्र उतना ही तृतीय क्षेत्र, अभी हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, तृतीय क्षेत्र या जिसे सेवा का क्षेत्र कहा जाता है वहां पर वो ज्यादा कार्य करता है। अदृश्य चीजें होती हैं फिर भी इससे धनार्जन होता है, देश में राष्ट्रीय सकल राष्ट्रीय जो है पूंजी का निर्माण होता है। तो इस तरीके से देश में जो इनकम बढ़ती है इससे, और उसमें कौशल का जो है बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो ये रही बात जो है संसाधन के रूप में लोगों से, तो कहने का तात्पर्य है कि संसाधन के रूप में लोगों से तात्पर्य है कि जनसंख्या का वो भाग जो सक्षम है, जो कुछ विशेष जानकारी कार्य को जानता है, वो उत्पादन और इसी तरीके से वस्तु और सेवा के उत्पादन में अपना योगदान देता है, उत्पादन को बढ़ा सकता है, तो उन्हीं को ही संसाधन के रूप में लोग कहा जाता है। यह जो है संसाधन के रूप में लोग, जैसे हम लोगों ने मानव पूंजी की बात किया, ये भौतिक पूंजी जैसे भूमि श्रम और पूंजी, पूंजी का मतलब वहां भौतिक पूंजी से था तो यह मानव पूंजी से है। तो जिस तरीके से भूमि श्रम और पूंजी होते हैं उसी तरीके से यह जो है मानव पूंजी या जो है संसाधन के रूप में लोगों का भी प्रतिफल होता है, परिणाम प्राप्त होता है। जिस व्यक्ति के पास ज्यादा क्षमता होती है, जो ज्यादा सक्षम होता है, जो तकनीकी रूप से ज्यादा जानकारी रखता है, उस व्यक्ति के द्वारा उत्पादन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया जाता है, कम समय में ज्यादा उत्पादन हो सकता है, और जो ज्यादा उत्पादन होगा तो आय प्राप्त होगा जिससे देश का इनकम बढ़ेगा, देश का आय बढ़ेगा। तो इस तरीके से जो है अन्य पूंजी के समान, अन्य पूंजी के जो है समान इसके भी जो है प्रतिफल प्राप्त होते हैं, अन्य पूंजी के समान इसके भी प्रतिफल प्राप्त होते हैं। और अगर तुलना किया जाए दोनों में तो कुछ मामलों में उत्पादन के अन्य साधनों की अपेक्षा यह ज्यादा महत्व रखता है, इसलिए क्योंकि भूमि श्रम और पूंजी ये निश्चित तौर पर उत्पादन की प्रक्रिया में जो है अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, लेकिन ये स्वयं जो है प्रयोग में नहीं आ सकते हैं। जबकि मानव पूंजी जो है ये संसाधन के रूप में जो लोग हैं वो न केवल अपनी क्षमता के द्वारा उत्पादन को बढ़ाते हैं, उत्पादन की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं, बल्कि ये भूमि श्रम और पूंजी का संतुलन और बेहतर उपयोग भी सुनिश्चित करते हैं, जिससे कम संसाधनों में और कम समय में कम ऊर्जा खर्च करके ज्यादा से ज्यादा मात्रा और गुणवत्ता की वस्तु और सेवा का उत्पादन करना संभव होता है। तो इस तरीके से जो है ये जो मानव पूंजी होता है, ये श्रेष्ठकर होता है, मानव पूंजी जो है श्रेष्ठ है। मानव पूंजी भी जो है अन्य पूंजी के जो है समान ही उत्पादन में अपना रोल देता है, लेकिन तुलना अगर किया जाए तो मानव पूंजी इसी रूप में जो है महत्वपूर्ण है। किस रूप में? कि वो स्वयं जो है उत्पादन में वस्तु और सेवा की गुणवत्ता को भी बढ़ाता है, और साथ में अगर देखा जाए तो यह अन्य संसाधनों का बेहतर अनुकूलतम प्रयोग भी सुनिश्चित करता है। तो इस तरीके से ये बातें हैं। अगर हम भारत के संदर्भ में देखें तो चूंकि भारत दुनिया का एक ऐसा देश है जो जनसंख्या के लिहाज से दुनिया में दूसरे स्थान पर है चाइना के बाद, यानी कि चाइना की जनसंख्या दुनिया में सबसे ज्यादा, दूसरे स्थान पर भारत का। तो जनसंख्या जो है, अब ये भारत के समक्ष जो स्थिति है कि जनसंख्या जो है ये परिसंपत्ति भी बन सकता है और दायित्व भी, यहां दो शब्द आ रहे हैं, परिसंपत्ति वर्सेस दायित्व। दायित्व का मतलब क्या होगा? जिम्मेदारी हो गया। परिसंपत्ति का मतलब क्या होगा? असेट्स, अंग्रेजी में इसे असेट बोला जाता है और इसे लायबिलिटी बोला जाता है। तो जिसके पास परिसंपत्तियां ज्यादा होंगी वो ज्यादा धनी देश माना जाएगा, वो उत्पादन की प्रक्रिया में इनको शामिल करेगा, ज्यादा से ज्यादा उद्योग लगा सकता है, ज्यादा से ज्यादा सेवाएं दे सकता है, तो इनसे हमें आय प्राप्त होती है। लेकिन दायित्व पर केवल खर्चे होते हैं, जैसे कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, कोई अस्वस्थ व्यक्ति है, कोई विकलांग व्यक्ति है, इस तरीके के लोगों पर जो है खर्च बढ़ता है,
लेकिन जैसे विकलांग या दिव्यांग के संदर्भ में अगर बातें की जाए तो दिव्यांगों के लिए आधुनिक समय में प्रशिक्षण की ऐसी व्यवस्थाएं हैं, ऐसे रैंप का निर्माण है, उनके अनुकूल कार्य करने का माहौल है। अगर हमारे पास परिसंपत्तियां होंगी तो इन दिव्यांग लोगों के लिए हम इस तरीके की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे और संरचना का निर्माण करेंगे। और संरचना से तात्पर्य यह है कि बिल्डिंग का निर्माण करेंगे, उनके लिए इस तरीके से जो है टेबल कार्य करने की दशाएं पैदा करेंगे जिससे कि वो सुगमता से काम आसानी से अपना काम कर पाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि भारत में जो जनसंख्या है वो जनसंख्या ज्यादातर तो अकुशल है। अकुशल से तात्पर्य उनके पास कोई विशेष क्षमता कौशल जानकारी नहीं है जिससे कि वो देश की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे पाते हैं, इसलिए जो है वो श्रमिक के रूप में काम करने लगते हैं। श्रमिक का मतलब यह है कि अकुशल होते हैं, उन्हें 200, 250, 300 जो भी सरकार के द्वारा इसके लिए निर्धारण किया गया है, लेकिन जब बेरोजगारी ज्यादा होती है तो कुछ ही पैसे पर जो है लोग काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि देश में जो है ये अभी जनसंख्या जो है वो परिसंपत्ति से ज्यादा दायित्व बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे अशिक्षित जनसंख्या है, बेरोजगार जनसंख्या है, अकुशल जनसंख्या है। तो हमारे देश के समक्ष यही जरूरत है कि ऐसे लोगों को हम कुशल बनाएं, उनको प्रशिक्षित करें, विभिन्न प्रकार के मोबाइल टेक्नोलॉजी की, कोई ऑटोमोबाइल सेक्टर के क्षेत्र में काम करें, कोई रोड में तकनीकी जानकारी प्राप्त करें। इस तरीके से अगर उनको हम तकनीकी प्रशिक्षण देते हैं तो वो विशेष तरीके से काम करने में सक्षम होंगे और वो देश में इनकम का स्रोत बनेंगे, अर्थात ये दायित्व को हमें जो है परिसंपत्ति में बदलने का काम करना होगा। तो कहने का मतलब ये भारत, ये सवाल भी बन सकता है कि भारत की जो जनसंख्या है वो भारत सरकार पर परिसंपत्ति से ज्यादा दायित्व बना हुआ है, इसकी व्याख्या कीजिए। तो इसका मतलब यही है कि भारत की जनसंख्या पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर है, यहाँ की जनसंख्या अभी भी ज्यादातर अशिक्षित है, अप्रशिक्षित है, अकुशल है, जिससे वो योगदान अर्थव्यवस्था में आय प्राप्त करने में अपना योगदान नहीं कर पाता है। इन्हें इस तरीके से प्रशिक्षित करना है जिससे ये आय का स्रोत बने, देश के राष्ट्रीय आय को जो बढ़ा सके। तो ये व्यवस्थाएं जो है दायित्व और परिसंपत्ति, दो और अलग शब्द मिले कि दायित्व और परिसंपत्ति, जिम्मेदारी होता है, परिसंपत्ति जो है एसेट्स के अंतर्गत आता है, ऐसे इसमें जो है चल संपत्तियां भी हो सकती हैं, अचल संपत्ति भी हो सकती है जिनका हम प्रयोग करते हैं, जिनसे हम उत्पादन को बढ़ाते हैं। तो इस तरीके से भारत, अगर हम यहाँ जापान को एक उदाहरण के रूप में ले लेते हैं, ये हमारे संसाधन के रूप में लोग चैप्टर में ये दोनों ही चीजों का उल्लेख किया गया है। जापान एक छोटा सा देश है, जापान एशिया का ही एक छोटा सा देश है जिसके पास प्राकृतिक संसाधन नहीं है। प्राकृतिक संसाधन पर हम लोगों ने पिछले क्लास में चर्चा किया था कि एक ऐसा संसाधन जो प्रकृति प्रदत्त होता है और दीर्घकाल में बनता है, ऐसा कोई परिसंपत्ति जो जापान के पास नहीं है, फिर भी वो मानव पूंजी का निर्माण करता है। कैसे? वो शिक्षा और स्वास्थ्य पर, प्रशिक्षण पर धन खर्च करता है जिससे वहां पर लोग, ऐसे देश जहां पर कच्चे माल, जैसे भारत है, पिछड़े देश हैं और अन्य विकासशील देश हैं, वहां कच्चा माल मंगवाता है। जैसे मान लीजिए कोई भी यूनिट है, कोई भी पदार्थ है जो 20 रुपए किलो के हिसाब से वो मंगाता है और उसको बना के वो 100 रुपए किलो के हिसाब से बेचता है, तब वो 80 रुपए का लाभ क्यों ले रहा है? क्योंकि उसके पास मानव पूंजी होता है, क्योंकि उसको बनाने वाले, जैसे मान लीजिए कि उसने यहाँ से आयरन मंगवा लिया, कोबाल्ट मंगवा लिया, इसी तरीके से और भी जो भी जरूरतें होती हैं उसको मंगवा के प्लास्टिक को वो मोबाइल बना रहा है। अब वो कच्चे माल को तो सस्ते दरों पर लेता है, लेकिन मोबाइल को बना करके आपने देखा होगा कि लाखों रुपए तक के मोबाइल बिक रहे हैं, 20,000-50,000 तक के मूल्य के जो है मोबाइल मार्केट में बिक रहे हैं, लेकिन उसमें लगने वाले खर्च कम होते हैं, लेकिन उसमें कौशल की जरूरत होती है, कुशलतापूर्वक तकनीशियन और इंजीनियर उसमें जो है लगे होते हैं, वो काम करते हैं और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाते हैं। तो कहने का मतलब जापान एक ऐसा देश है जहां जिसके पास जो है परिसंपत्ति जो है ज्यादा है। तो यही कार्य भारत को भी करने की जरूरत है जिससे यहाँ के लोगों को प्रशिक्षित किया जाना जो है वो संभव हो सके। ये तो व्यवस्था रही संसाधन के रूप में लोग, आप लोगों ने देखा कि शिक्षा और स्वास्थ्य प्रशिक्षण के द्वारा जो धन खर्च किया जाता जिस इस पर वो पूंजी कहलाता, मानव पूंजी, और जब इससे कौशल बढ़ता तो मानव पूंजी का निर्माण होता है और मानव पूंजी किस तरीके से जो है कार्य कर सकता है ये आप लोगों ने यहाँ पे देखा। अब जनसंख्या की जो विशेषताएं हैं उसमें जो है शिक्षा एक महत्वपूर्ण फैक्टर है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है,
करने की लोगों की जरूरत है। भारत में स्वतंत्रता से अगर देखा जाए तो शिक्षा का स्तर लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि भारत में पहले संसाधन कमी थी, स्कूल कॉलेज कम थे, तो लोगों में जागरूकता का अभाव था, अच्छे शिक्षक नहीं थे, तो इसलिए जो है शिक्षा का स्तर भारत में कम था। लेकिन धीरे धीरे शिक्षा का स्तर जो है बढ़ता हुआ जा रहा है, और वर्तमान समय में जो है ये 2011 की जो जनगणना हुआ था उसके बाद अभी 21 में जो है जनगणना होने वाले हैं, तो उस तरीके से जो है इसमें अलग से इसके आंकड़े आएंगे। 74% के आसपास देश की जो जनसंख्या शिक्षित है, जो पिछली बार से जो है 12% या 13% के आसपास हुए, इसमें जो वृद्धि हुई है। पिछली बार की जो है जो शिक्षित जनसंख्या थी वो कम थी, उसके बाद स्कूल कॉलेजेस इत्यादि को बढ़ाया जाने लगा, शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है। 2021 के जो आंकड़े आएंगे उसमें शिक्षा का स्तर और भी बढ़ जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है कि दिन प्रतिदिन शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी हम लोग विकसित देशों यूरोपियन कंट्रीज के जो शिक्षा के स्तर से हम लोग काफ़ी पीछे हैं। तो शिक्षा को बढ़ाने की जो ज़रूरत है, और शिक्षित व्यक्ति किस तरीके से लोगों को जो है प्रबंधित कर सकता है, मैनेज कर सकता है, संसाधनों का प्रयोग कर सकता है, उत्पादन को बढ़ा सकता है, देश के राष्ट्रीय आय को बढ़ा सकता है, इसलिए जो है शिक्षा की जो यहाँ पे जरूरत है। एक जनसंख्या जो है वो शिक्षित होना चाहिए, और शिक्षित जनसंख्या ही राष्ट्रीय आय में जो है वृद्धि कर पाता है। तो ये व्यवस्थाएं जो है शिक्षा के लिए। भारत में शिक्षा का वितरण भी, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर कम है, शहरी क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर ज्यादा है। शहरी क्षेत्रों में शिक्षा तकनीकी किस्म की है, वैज्ञानिक किस्म की है, यहाँ पे लोग डॉक्टर इंजीनियर और इसी तरीके से विभिन्न प्रकार के जो कोर्सेज में डिप्लोमा इत्यादि करते हैं, तो उनके पास विशेष जानकारी। यदि ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी जो है साधारण या सामान्य किस्म की शिक्षा व्यवस्थाएं चल रही हैं, जिनसे कि हम रोजगार नहीं पैदा कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके शिक्षा के अनुसार हमारे देश में जो है अवसंरचनाएँ नहीं हैं, उद्योग धंधे नहीं हैं, इसलिए उनको रोजगार नहीं मिल पाता है। बेरोजगार रहते हैं तो देश के ऊपर वो परिसंपत्ति के बजाय वो दायित्व बन जाते हैं। तो ये सब जो है इम्पोर्टेंट है। तो शिक्षा जो है एक महत्वपूर्ण फैक्टर है जिसे बढ़ाने की जरूरत है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर देखा जाए, एक स्वस्थ व्यक्ति जो होता है, कोई भी देश होता है, ये एक दीर्घकालिक जो है निवेश होता है। खर्चा जो इसमें आता है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, इसका लाभ बाद में मिलता है, इसी को कहा जाता है दीर्घकालिक परिणाम। जैसे आज हम लोगों ने शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर खर्च किया, स्वास्थ्य के रूप में जो भी हम खर्च कर रहे हैं, जब व्यक्ति स्वस्थ होगा तो वो मन से काम कर सकेगा, कम समय में ज़्यादा जो उत्पादन में योगदान दे सकता है, और वहीं पर अस्वस्थ व्यक्ति के ऊपर जो है चिकित्सकीय व्यय बढ़ेगा, वो ना तो कार्य कर पाएगा, और दूसरी तरफ जो भी परिसंपत्ति है, जो भी पूंजी है, वो उसके ऊपर खर्च करना पड़ेगा। तो स्वास्थ्य एक ऐसा फील्ड है जो उत्पादन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान देता है, इसीलिए जो भी विकसित देश हैं वो इस पर जो ज़्यादा से ज़्यादा धन खर्च करते हैं, जिससे उन व्यक्तियों के द्वारा हम उत्पादन में सहयोग प्राप्त कर सकें, राष्ट्रीय आय को जो बढ़ाया जाना संभव हो सके। तो इसलिए जो स्वास्थ्य पर भी जो है बल दिए जाने की जरूरत है। इसमें एक चैप्टर में कहानी जो है बताया गया है, बिलास एक व्यक्ति है। इसी तरीके से जो है यहां पर ये व्यक्ति जो बिलास है, इसके पिताजी का नाम महेश था। इसमें एक कहानी है जो इसके माध्यम से आपको थोड़ी सी और जानकारी देने का प्रयास किया जाएगा। बिलास है, इसके पिताजी जो है मछुआरे थे, मछली पालन का काम करते थे। 11 वर्ष की जब इसकी आयु थी, मतलब इस समय 11 वर्ष की आयु थी, 2 वर्ष की आयु में ही जो इसके पिता का निधन हो गया। उसकी माता भी मजदूरी में वही काम करना प्रारंभ कर दी। तो अब ये व्यक्ति जो है पढ़ाई लिखाई बेहतर ढंग से नहीं कर पाया, क्योंकि इसके पास आय नहीं था। बाद में इसको जो है गठिया की बीमारी हो गई, इसकी माता जी बीमार रहने लगी, उसकी देखभाल करने लगा। तो इस तरीके से इस व्यक्ति का जीवन जो है सिमट गया, और इस व्यक्ति को भी जो है मजबूरी में मछुआरे का काम करना पड़ा है ना, यानी कि किसी तरीके से वो अपना जीवन व्यतीत करने के लिए जो है मजबूर हो गया। और इसी का एक मित्र उसी गांव में रहता था जिसकी आयु 12 वर्ष थी, इसकी आयु जो है 11 वर्ष की थी, और इसकी आयु जो है, इसके मित्र था, इसका जो है आयु 12 वर्ष था। तो ये व्यक्ति जो है, इसके पिताजी जिसका नाम इसमें कहानी में जो है बूटा चौधरी लिखा हुआ है, इसकी माता का नाम शीला बताया गया है, इसके बच्चे, इसके भाई हैं जो है जीतू और सीतू।
तो ये अपने भाइयों के साथ खेलता है, लेकिन इसके माता पिता ये चाहते हैं कि ये पढ़ाई करे। बाद में इसने मैट्रिक किया, माध्यमिक स्तर की शिक्षा किया और कंप्यूटर का कोर्स किया, जिससे कंप्यूटर ऑपरेटर बन गया। बाद में इसको नौकरी लग गई। अब जब नौकरी लग गई, जिसके आय का साधन बढ़ गया, इसका जो आय बढ़ गया, ये अपने घर परिवार के बच्चों के लिए जो पढ़ाई का और माध्यम बना दिया, माता पिता की दवाइयां कर दिया, वो स्वस्थ हो गए। तो कहने का मतलब एक निर्णय के कारण से जो है इस परिवार की जो स्थिति थी वो मजबूत होती चली गई दिन प्रतिदिन। तो कुल मिलाकर के ये कहानी ये बताता है कि आप आर्थिक क्रियाओं के क्षेत्र में अपने आप को शामिल कीजिए। आर्थिक क्रियाएं किसे कहा जाता है? उत्पादन के विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में कार्य करके जब वस्तु और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है तो ये कार्य जो होते हैं वो आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। अर्थात आप ऐसा कार्य या ऐसे क्षेत्र में जाने का निर्णय लीजिए जिससे हमें कुछ प्राप्तियां होती हैं, जिससे हम अपने आय को बढ़ा सकते हैं, जिससे हम शिक्षा और स्वास्थ्य पर धन खर्च कर सकते हैं। तो इस तरीके से इस कहानी के माध्यम से ये स्पष्ट होता है कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर आप खर्च कर रहे हैं, क्योंकि इसने जो है शिक्षा के क्षेत्र में खर्च किया, दूसरा मित्र इसका, और वो ऐसा करके अपने आय को बढ़ा लिया, और जब आय को बढ़ा लिया तो आने वाले समय में वो स्वास्थ्य पर भी धन खर्च करने लगा, अपने आने वाले भाई और बहनों की भी पढ़ाई पर वो खर्च करने लगा। तो इस तरीके से जो ये सब कहानियाँ इसलिए बताई जाती हैं जिससे कि आप लोग एक सीख ले सकते। तो ये कहानी जो है थी। अब शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ एक और यहां पर है बेरोजगार, बेरोजगारी। बेरोजगारी क्या है? शिक्षित और स्वस्थ व्यक्ति अगर कोई भी काम करने के लिए जो तैयार है तो उसको काम आसानी से मिल जाता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति अकुशल है, जिसको कोई विशेष तकनीक नहीं जानकारी है, तो उसको कौन कार्य देगा? कोई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उसको कम समय में ज्यादा चाहिए, और जो कुछ जानता ही नहीं है, जिसके पास कोई कुशलता नहीं है, कोई क्षमता नहीं, वो नहीं कर पाएगा। तो इसलिए जो है यहाँ पे बेरोजगारी को ये बताया गया है कि भारत में बेरोजगारी की स्थिति व्यापक है, कई प्रकार की बेरोजगारियां भी हैं। तो बेरोजगारी किसे कहा जाता है? अगर इसको हम आर्थिक बेरोजगारी जैसे समानता, अगर कोई व्यक्ति काम नहीं कर रहा है, जिसको काम नहीं मिल रहा है, वो बेरोजगार होगा। लेकिन जब हम अर्थव्यवस्था के संदर्भ में पढ़ेंगे, थोड़ा सा तकनीकी है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग मजेदार है, कि यदि कोई भी जो है व्यक्ति बाजार दर पर प्रचलित मजदूरी के हिसाब से कार्य करने के लिए तैयार है, फिर भी उसे कार्य प्राप्त नहीं हो रहा है, तो वह व्यक्ति जो है बेरोजगार कहलाएगा। तो इसमें दो तीन बातें हैं। पहली बात तो यह है कि वो व्यक्ति इच्छुक होना चाहिए कार्य करने के लिए, कार्य करने की जो मनसा हो उसके अंदर हो, कार्य करना चाह रहा हो। अगर कोई व्यक्ति कार्य नहीं करना चाह रहा, उसको बेरोजगार नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो कार्य करना ही नहीं चाहता है। तो यहाँ कहने का तात्पर्य है कि एक ऐसा व्यक्ति जो कार्य करना चाहता है, उसके पास योग्यता है, वो बाजार दर पर प्रचलित मजदूरी के हिसाब से काम करना चाहता है, यानी कि इच्छा है, दूसरा योग्यता है, और तीसरा जो है प्रचलित दर पर, यानी कि वो कार्य करने का इच्छुक है, उसके पास योग्यता भी है और प्रचलित दर पर वो काम करना चाहता है, और फिर काम उसको नहीं मिलता है, तब वो व्यक्ति जो है वो बेरोजगार हो जाएगा, तब वो व्यक्ति जो है बेरोजगार कहा जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि किसी भी परिवार में अगर बच्चे हैं तो उनको बेरोजगार नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी वो खेलने और पढ़ने का उनका उम्र है, तो खेलने और पढ़ने की उम्र में जो है वो कार्य नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो 60 साल या उससे ऊपर है, वो भी कार्य करने में बहुत सक्षम नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उसको भी बेरोजगार नहीं कहा जाएगा। अर्थात हमारे यहाँ रोजगार के लिए जो है 15 वर्ष से लेकर के 61 वर्ष के आयु के लोगों को सम्मिलित किया जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट डेटा है, इसीलिए यहाँ पे इसका उल्लेख किया जा रहा है कि जनसंख्या का वह भाग जो 15 से 61 वर्ष के आयु वर्ग में है, इसी को जो है दक्ष जनसंख्या भी कहा जाता है। इसीलिए जो भारत में चूंकि जनसंख्या अधिक है और ज्यादातर लोगों की जनसंख्या इसी के बीच में है, और जनसंख्या की यह स्थिति ही जो है लाभ की स्थिति प्रदान करती है, इसलिए जनांग की यह लाभांश इसको कहा जाता है।
इसको जनांकीय लाभांश भी जो है वो कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जो देश में भारत की ज्यादातर जनसंख्या 15 से 59 आयु वर्ग के बीच में है, यही जनसंख्या जो है वो कार्य करने में सक्षम होती है, यही जनसंख्या कुशल बन सकती है जिससे राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो सके। तो चूंकि भारत की जो अधिकांश जनसंख्या वो 15 से 59 आयु वर्ग के बीच में है और ये जनसंख्या की स्थिति देश में लाभ पैदा कर सकती है, आय बढ़ा सकती है, इसलिए जनसंख्या की इस विशेषता को ही जनांकीय लाभांश या डेमोग्राफिक डिविडेंट भी कहा जाता है। जनांकीय लाभांश इसको कहा जाता है। तो इससे देश की अर्थव्यवस्था में वृद्धि हो सकती है। तो बेरोजगारी के बारे में आप लोगों ने देखा कि कोई भी व्यक्ति योग्य है और वह प्रचलित दर पर काम करने का इच्छुक है, अगर उसे काम नहीं मिल रहा तो वो बेरोजगारी भारत में ये जो है चिंता का जो है विषय बना हुआ है, या भारत में जो चिंता का विषय जो है बना हुआ है। बेरोजगारी को अगर देखा जाए तो बेरोजगारी भारत में शहरी क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में दो तरीके से पाई जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो है मौसमी बेरोजगारी है और जो है प्रच्छन्न बेरोजगारी है, और शहरों में जो है शिक्षित बेरोजगारी है, शहरों में जो है शिक्षित बेरोजगारी है। कहने का मतलब मौसमी बेरोजगारी से तात्पर्य है कि भारत में जो मुख्य रूप से जो है दो फसलें उगाई जाती हैं, रबी और खरीफ की फसलें। रबी में जो है गेहूं मुख्य रूप से, खरीफ में चावल या धान की खेती जो है भारत में किया जाता है। इसके अलावा भी जायद की है जो कि मई जून जुलाई के सीजन में जो है जब ज़्यादा तापमान होता है तो उस समय की जाती है, लेकिन वो मुख्य फसलें नहीं होती। मुख्य फसलें हमारे यहाँ जो है यही हैं। तो ये जो खेती की जाती है वो मौसम पर आधारित होती है, 3 से 4 महीने की खेती, उसके बाद 2 से 3 महीने कोई भी रोजगार नहीं प्राप्त होता, तो कोई आय नहीं प्राप्त होता। तो उस समय जो लोगों को कोई कार्य नहीं होता, बेरोजगार होते हैं, तो वो मौसमी बेरोजगारी होती है। इसी तरीके से प्रच्छन्न बेरोजगारी का तात्पर्य यह है, प्रच्छन्न का तात्पर्य छिपी हुई होती है, डिसगाइज। तो प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी की कहने का तात्पर्य है कि कोई खेत का टुकड़ा है, खेत के टुकड़े में जो है 5 लोगों की जरूरत है, लेकिन किसी परिवार में 8 लोग हैं और ये सारे ही इस खेती में काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो 3 लोग एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं ये 3 लोग जो बेरोजगार कहा जाएगा और माना जाएगा, इसलिए क्योंकि वो कार्य 5 लोग भी कर सकते थे, क्योंकि जो प्राप्ति होगी वो उतना ही इनकम होगा, उत्पादन उतना ही होगा। अगर 1 बीघे खेती में जो है 15 क्विंटल गेहूं उत्पादन होना है तो 5 लोग रहेंगे तब भी 15 ही होगा, 8 लोग काम करें या 10 लोग काम करें उत्पादन उतना ही होना है। तो कहने का मतलब जो ज्यादा लोग काम कर रहे हैं वो छिपे हुए स्थिति में रहते हैं, इसीलिए इसको जो है छिपी हुई बेरोजगारी कहा जाता है, जो कि भारत में जनसंख्या अधिकता के कारण से सामान्यतः दिखाई पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे जोतो या खेती या भूमि का आकार कम है, क्योंकि पिछले क्लास में हम लोगों ने भूमि का वितरण देखा था और किस तरीके से भूमि का आवंटन कम होता हुआ जा रहा था, ये भी हम लोगों ने देखा था। और शहरों में क्या है, शहरों की स्थिति ये है कि यहाँ पर तकनीकी शिक्षा भी लोग ले रहे हैं, साधारण शिक्षा भी ले रहे हैं, लेकिन देश में उद्योगों की स्थिति कम है, यहाँ की अवसंरचनाएं कमजोर है, इसलिए सभी लोगों को एक साथ अर्थव्यवस्था और रोजगार नहीं दे पा रहा है, इसलिए यहाँ पर शहरों में जो शिक्षित बेरोजगारी यानी कि पढ़ लिख करके योग्य होने के बावजूद भी काम न मिलना तो शिक्षित बेरोजगारी की जो श्रेणी में आता है। तो आज के चैप्टर में हम लोगों ने संसाधन के रूप में लोगों और व्यक्तियों को तो हमने देखा था, लेकिन आज ऐसे लोगों के बारे में देखा जो संसाधन बन सकते हैं, देश की अर्थव्यवस्था में योगदान दे सकते हैं, लोगों की आय बढ़ा सकते हैं, और मानव पूंजी क्या होता है, मानव पूंजी निर्माण क्या होता है, ये चीज हम लोगों ने यहाँ पे देखा। इसी तरीके से बेरोजगारी का जो है प्रकार हम लोगों ने देखा, पूंजी और धन में क्या अंतर होता है ये हम लोगों ने देखा, और प्रच्छन्न बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी और शिक्षित बेरोजगारी के प्रकार को भी हम लोगों ने यहाँ पे समझने का प्रयास किया। तो आज के एनसीईआरटी बेस्ड अर्थव्यवस्था के इस चैप्टर में जो कि संसाधन के रूप में लोग है, इसके माध्यम से अर्थव्यवस्था के एक समझ को पैदा करने का प्रयास किया गया है। उम्मीद करता हूं कि इसके माध्यम से आप लोगों को कुछ न कुछ जानकारी अवश्य मिली होगी, तो आप इसको जो है एक बार रिवाइज करने का जो प्रयास कीजिए। इस पर आधारित सवालों को हम अगले लेक्चर में जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे, तब तक आप अपनी पढ़ाई को आगे की दिशा में जो है बढ़ाते रहिए। नमस्कार।